सभी पार्ट दिखे ठीक तरह से, बहुत सारा पार्ट है, सभी में कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने क्योंकि मैं सभी पार्ट में डिटेलिंग में बता रहा हूँ, इसलिए तो फ्रेंड मेरा वीडियो का भी पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कष्ट कर उठाकर आपको ये देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम दिखा रहे हैं कटोरी हम कैसे कटे, ठीक है। तो कटोरी कटने के लिए हम ये चीज़ हटा देता है, नहीं ये चीज़ हम बाद में हटाएंगे, पहले ये हमारा स्लीव्स है और ये हमारा एक पार्ट है, ठीक है ठीक है। पहले हम एक बैक पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, हटा देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह के पेंट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो एडिट का जो मेजरमेंट होता है इस तरफ रखना है, इसी तरह एक ड्रॉ कर लेना है, इसमें इसी तरह कर लेना, ठीक है। और इसको करना है इसी तरह करना है, एक शेप देना है आपको, ठीक है। तो हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, जो आप लोग देख रहे हैं, जो इस तरफ आपको ये पार्ट दिखेगा, सीधा पार्ट है जो इस तरफ आपको घड़ी करता है, जो कटोरी का बहुत सारा टेक्निक है, कटोरी कटने का बहुत सारा टेक्निक है। मैंने जो बंगाली में बताया जो वीडियो, वो एक चोली कट से आप कैसे बना सकते हैं वो दिखाया, और आप डायरेक्ट कैसे कट सकते हैं वो दिखाया। तो हम इसमें दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट पहले दिखाएंगे, डायरेक्ट कैसे आप कटेंगे डायरेक्ट दिखाएंगे हम, और बाद में दिखाएंगे जी। आप जो लोग चोली कट जानते हैं, चोली कट का ब्लाउज, वो चोली कट से कैसे कटोरी बना लेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉइंट लगाया, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने जो कस्टमर का मेजरमेंट लेकर रखी है यहाँ पर, तो देखिए क्रॉस पॉइंट उसका 9 है, ठीक है। तो और ये जो ब्रेथ है क्रॉस पॉइंट का, ये 8 है, यानी कि ये जो देख रहे हैं, ये क्रॉस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट होता है इसका 9 है, और यह जो ब्रेथ है उसका 8 है, ठीक है। तो हम दिखाएंगे अब कैसे कटेंगे हम फॉर्मूला को। ये देखिए फ्रेंड, इसका 9 ये हो रहा है 9, ठीक है, 9 हो रहा है इसे। और अगर हम इसको 9 अगर ले इसको, तो कोई बात नहीं 9 होगा, मगर जब हम चोली कट करते हैं ये थोड़ा सा अगर ऊपर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा उड़ जाता है। आप इसमें भी कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा दिख रहा है जो ये जो हमारा जो बास्ट का जो पार्ट है ना, तो इस पार्ट को थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मेरा नॉलेज में है जो ये क्या आपको करना है, ये करना है, तो ये हमका नॉलेज में है, तो इसलिए हम देख चुका हूँ। जो हमारा जो क्रॉस पॉइंट हम यहाँ पर जो पटल का जो हम काटते हैं ना, जो एक बाटी एक पटल है ना, ये किसकी तरह अगर ना हो तो ये 8.5 में ये हो जाएगा, ठीक है। मगर ये चीज़ हमारा मेमोरी में है, तो मगर हम क्रॉस पॉइंट अब हमारा तो 9 है, इसमें हम 9 ले चुके हैं, मैम हम कब लेंगे ये, ठीक है, 8.5 हम लेंगे। तो 8.5 के बाद ये हम हटा देंगे, ये हो गया। और इससे वक्त हम क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे और इसको हम ये 4 इंच हमको लेना है, ठीक है, इसी तरह हमको 4 इंच लेना है। हम इस तरफ भी कर सकते हैं 4 इंच, ठीक है, और इस तरफ भी हम एक दाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमको क्या करना है फ्रेंड, ये जो क्रॉस पॉइंट है ये देखिए, आप 9 भी कर सकते हैं, आप उसके ऊपर 1/2 इंच ले कर सकते हैं। तो हम
दोनों आप कर सकते हो, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए हम 8:30 से दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए हम 8:30 से दिखाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये मैंने कटने का तरीका है। ठीक है, हम नया कर लेंगे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा तो हम 8:30 ऊपर से लेंगे, क्योंकि ये जो स्पेस हम थोड़ा सा समझने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर ले लिया, कोई बात नहीं है। क्रॉस वाइड आपका 9 ही होगा, ठीक है, 9 ही होगा आपका। तो हमको ये आप लेना है जो 32 ब्लाउज का होता है, जो 9 और थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे इसका, हो गया इसका। और इसका जो शेप होता है ना, ये इस तरफ एक शेप होता है, ठीक है, ये आपको देना है शेप का, ये फ्री हैंड में देना है और घर में रखना चाहिए। ये थोड़ा सा ये इस टाइप का होगा, ठीक है, और इसमें डार्ट होगा, इसमें भी एक डार्ट होगा, ठीक है। अब डार्ट के बाद आपका या इसमें क्रॉस आपको क्या रखना है, आपको 4 इंच रखना है यहाँ पर क्रॉस से लेकर, तो फ्रंट 4 और हम हाफ लेंगे, ठीक है, और ऐसे करेंगे, ठीक है। ये सीधा हम दिखाएंगे बाद में किस तरह दिखता है, हम दिखाएंगे। ये हम 4 देंगे और पटल का जो हाइट है हम उसको देर देंगे, जो हम देर दे चुका है इसमें देर देंगे। और ये है ऊपर वाला का पार्ट है, इस तरह एक शेप होता है, और ये शेप का भी फ्रेंड एक टेक्निक है, हम बाद में दिखाएंगे ये क्यों करे, ये क्यों कितना ले, इसका भी एक टेक्निक है। और जो मैंने आप लोगों को बोला था, जो मेरा जो फार्मूला है, जो जेड और वाई का जो फार्मूला है ना, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मेरा जो 32 साइज का, उसका हम 8 लेंगे और 7.5 लेंगे, तो हम 8 लेंगे, ठीक है। 4 हम इधर दे चुका है 4, और इसमें भी आपको 4 लगेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड 4 है, ठीक है, और 4 के बाद सिम्स के लिए थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। और ये जो हम पार्ट हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए, जो इसमें जो मेजरमेंट है ना, जो पहले में ये मेजरमेंट मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो उसमें क्या हो रहा है उसका आपको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये जो चोली कट से मैंने जो कटोरी बना रहा है अभी, तो आप लोगों को तो ये मैंने 4 इंच यहाँ पर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 4 और इसमें भी 4 आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मेरा क्रॉस पॉइंट है इसमें, और इसका भी क्रॉस पॉइंट है, ठीक है, तो 4 यानी कि 8 हो जाएगा इसका। और ये हमने किस लिए रखा है, इसमें कैसा लेना है आपको, चेन्स लेना है सिम्स के लेकर, जो हमने यहाँ पर जो मेजरमेंट किया है, ये जो क्रॉस पॉइंट होता है उसका थोड़ा सा ऊपर होता है, कहीं कहीं ये 1/2 इंच होता है, कहीं कहीं ये कभी कभी ये 1 इंच होता है ऊपर रखना। रखने के बाद हमने चोली कट में दिखा है इस मेजरमेंट का, और ये बहुत बहुत ही वाइटल है फ्रेंड इस मेजरमेंट का। ये मेजरमेंट क्या है अब देखे, मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लाउज का होता है ना, जो ये जो हम लोग करते हैं ना, जो चोली कट का मेजरमेंट, ये मेजरमेंट जो बास्ट का जो बैलेंस होता है दोनों का, ठीक है, ये मेजरमेंट है वो, ठीक है, ठीक है। तो हमने जाना है वो कितना है, आपको 3 करना है उसको, ठीक है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और आपको यह करना है, हमने आपको 2.75 करना है, 2.75 इसमें है, और